सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, बल्कि अजमल चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर ही चल रहे हैं। राहुल ने असम में अजमल से समझौता किया जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ये विभाजनकारी रास्ता न असम की जनता स्वीकार करेगी और न ही देश की जनता स्वीकार करेगी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, क्या अजमल का सम्मान करोगे और तरुण गोगोई का अपमान करोगे? राहुल गांधी जवाब दो, अजमल की पार्टी से समझौता क्यों किया? केरल में तुम मुस्लिम लीग से समझौता करते हो, बंगाल में तुम त्रिपुरा शरीफ के साथ खड़े हो जाते हो, क्या हो गया है कांग्रेस को? ये कांग्रेस गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही। राहुल गांधी गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे, राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। और जिन्ना का रास्ता ना तो असम की जनता स्वीकार करेगी और ना हिंदुस्तान की जनता स्वीकार करेगी। देश को फिर से